अच्छा ये लफ्ज़ आपने सुना होगा इंटरेस्टिंगली मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को इसको स्पाम के तौर पे भी प्रोनाउंस करते हुए सुना है लेकिन इट्स एक्चुअली कॉल्ड स्पैम नॉट स्पाम इट्स स्पैम क्या होती है स्पैम स्पैम आर अनसोलिसिटेड मैसेजेस सो किसी भी एक ऐसा मैसेज जो आपने सेंडर को अप्रूव नहीं किया आपको सेंड करने के लिए दैट इज स्पैम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचें कि आपको स्पैम कहां सुनने या देखने को मिलती है जो आपको रोज मैसेजेस आते हैं टेक्स्ट मैसेजेस अपने फोनों पे दैट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पैम स्पैम इज आल्सो फेक सो स्पैम के जो मैसेजेस हैं दोज आर फेक मैसेजेस आई से फेक व्हाट डू आई मीन बाय फेक फेक का मतलब यह है कि द मैसेजेस आर नॉट सेंट by the sender for a meaningful purpose they are sent by the sender for just putting them out there as promotional messages or aksar jo promotional messages hoti hai, those are spam spam messages are unsolicited so again not spam 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 ki jo messages and those are also generated by bots बॉट्स क्या होते हैं बॉट्स आर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद सोच सके खुद चल सके और खुद रैंडम मैसेजेस जनरेट कर सके so ये जो बॉट्स हैं, ये अक्सर आपके वर्डप्रेस uh, के ब्लॉग पे आके वेबसाइट पे आके एक रैंडम सा लिंक छोड़ जाएंगे दैट्स स्पैम ऑल सी एम एस आर अफेक्टेड बाय स्पैम हर तरह का कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अफेक्टेड बाय सम सोर्स स्पैम तो ये आपने एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है किसी न किसी तरह का स्पैम आपके ब्लॉग आपकी वेबसाइट को लाजमी तौर पर इफेक्ट करेगा देर इज नो सोल्यूशन टू स्पैम देर आर वेज टू प्रिवेंट इट देर आर वेज टू फाइट इट लेकिन स्पैम को आप दुनिया से ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते इट्स इट्स नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि बेतहाशा हैकर्स बैठे हुए हैं बेतहाशा साइबर स्टीलर्स बैठे हुए हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना चाहते हैं एंड फॉर दैट दे राइट पॉट्स दे राइट स्पैम मैसेजेस एंड सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रेस इज एक्चुअली इफेक्टेड द मोस्ट तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्ड प्रेस इज द मोस्ट यूज कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द इंटरनेट इसी तरह स्पैम WordPress is targeted the most by cyber attackers or by hackers. And आगे हम आपको ऐसी features और ऐसे plugins का भी बताएंगे जिससे आप अपने WordPress को और secure कर सकती हैं. But right now our focus is spam. So uh, your question might be कि हम spam messages को कैसे spot कर सकते हैं? How will we know कि ये जो message या ये जो comment आया है मेरी website पे, मेरे blog पे, मेरी WordPress की site पे? दैट इज एक्चुअली स्पैम एंड दैट इस नॉट अ ट्रू कामेंट सो इसके कुछ तरीके यू कैन लुक एट दी ऑथर नेम आप उसके ऑथर का नाम देखें और अगर ऑथर का नाम आपको थोड़ा सा वियर्ड लगे कि आपका जो है ब्लॉग है वो है पाकिस्तानी कजीन के बारे में और आपको कॉमेंट के ऑथर में कोई लड़की नज़र आती है अंजलिना जोली के नाम से तो आपने सोचना है कि क्या यह कमेंट सही हो सकता है लुक एट देयर कमेंट एज वेल अगर उन्होंने अपने कमेंट में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे कमेंट के कंटेंट का रिलेशन नहीं बन रहा आपके ब्लॉग के साथ दैट्स आल्सो अ फ्लैग फॉर यू टू सी कि इफ दैट कमेंट इज अ फेक कमेंट या स्पैम कमेंट। और उनका यू देखें अगर उन्होंने कोई ऐसा यू पोस्ट किया हुआ जिसपे किसी तरह का आपको शको आ, शुबाहत सामने आती है सो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्ली स्पैम एक और चीज स्पैम के बारे में याद रखिएगा नॉट ऑल मैसेजेस विद लिंक्स आर स्पैम बट ऑल स्पैम इज अ मैसेज विद अ लिंक सो 90 परसेंट ऑफ के जो मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं कमेंट्स, जिन पे किसी ने लिंक पोस्ट किया हुआ है दोज आर मोस्ट प्रोबेबली स्पैम तो आप स्पैम को कैसे मार्क कर सकते हैं आप स्पैम को वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड से जाके मार्क कर सकते हैं स्पैम कॉमेंट हैज़ बिन पोस्टेड टू योर साइट यू कैन मार्क इट ए स्पैम बाय होवरिंग द कर्सर ओवर दैट पर्टिकुलर कॉमेंट एंड क्लिकिंग ऑन स्पैम या मार्क ए स्पैम सो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ भी रहा है या आपका डैशबोर्ड है और वहां पे कुछ कॉमेंट्स हैं आप उन कॉमेंट्स को वहां पे स्पैम मार्क कर सकते हैं और जैसे ही वो स्पैम मार्क होगा तो वो बिन में चला जाएगा सो यू कैन स्पैम की अलग से भी एक सेक्शन है और साथ ही साथ एक बिन भी है सो so आप पे डिपेंड करता है वेदर यू वॉन्ट टू मार्केट ए स्पैम और वेदर यू वॉन्ट टू डिलेट सो अब क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सी ऐसी फीचर्स हैं कोई कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो स्पैम को फाइट करने में आपकी हेल्प करती हैं सो वन फीचर दैट आई लव आई यूज ऑन अ डेली बेसिस ऑन माई वेबसाइट इज कॉल्ड अ किस्मेट ग्लोबल नेटवर्क और दे मशीन लर्निंग टू सी के ये जो कॉमेंट आपकी साइड पर पोस्ट हुआ है वेदर इट हैज दिस्टिक्स ऑफ अ स्पैम कॉमेंट ऑर नॉट एंड इफ यू हैव एनेबल्ड अकिस्मेंट यू वुड बी सेम स्पैम एक और चीज जेहन में रखिएगा कि यूजअली अकिस्मेंट इज द फर्स्ट प्लग इन दैट यू शुड इंस्टॉल इफ यू वॉन्ट टू सेव यर सेल्फ फ्रॉम स्पैम मेरी एक रिसेंट वेबसाइट है जिसपे एक स्पैम अटैक हुआ था एंड ऑल ऑफ द लिंक्स वर हाई जैक बाय बॉट सो टू गेट रिड ऑफ इट प्लीज यूज अ सर्विस लाइक अकिस्मेंट हाउ कैन यू कंट्रोल स्पैम यू कैन इंस्टॉल अ कैप्चा कैप्चा क्या होता है बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको पहले भी कुछ लेसन में बताया था कि जब भी कोई कॉमेंट पोस्ट करेगा कैप्चा उससे पूछेगा टू प्रूव दैम वेदर दे आर और नॉट एंड हाउ हाउस कैप्चा डू दिस शोइंग अ फ्यू अमेजेस सो गूगल कैप्चर के लिए एक प्लग इन है जो आप यूज कर सकते हैं उसके अलावा आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ड स्पैम डैमेज माई वेबसाइट यस स्पैम कैन हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर वेबसाइट तो हम ये करेंगे कि हम साइट पे जाएंगे जो मेरी साइट है डी जी स्के साथ हामेड डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम और वहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू दिस कमेंट सेक्शन दैट इज कमेंट्स अब आपने देखा कि यहाँ पे डिस्कस इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए कमेंट सेक्शन हैज़ बीन रिप्लेस बाय डिस्कस सबसे पहले हम डिस्कस को डीएक्टिवेट करेंगे आप अपनी वेबसाइट्स पे डिस्कस को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से वील गो टू द कमेंट सेक्शन सो कमेंट सेक्शन पे यू कैन एक्चुअली गो एंड सी के ये आपको लग रहा है कमेंट स्पैम के नहीं लग रहा और आप उसको किस तरह स्पैम में भेज सकते हैं सो so, जिस तरह ये कमेंट जो मैंने खुद पोस्ट किया था एज अ स्ट्रेंजर मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ स्पैम कमेंट ऑब्वियसली मैंने खुद पोस्ट किया था इसलिए मुझे तो पता है अपने बारे में लेकिन बिकॉज आई थिंक यू नो ये स्पैम कॉमेंट हो सकता है क्योंकि किसी स्ट्रेंजर ने पोस्ट किया हुआ है स्ट्रेंजर आई डोंट नो हु दैट स्ट्रेंजर इज आई डोंट नो के स्ट्रेंजर की ई देखिए किसी भी स्ट्रेंजर की ईमेल स्ट्रेंजर एट जी मेल डॉट कॉम नहीं होगी हमेशा उसके नाम से होगा सो दिस इज समथिंग दैट टेल्स अस कि यार ये कमेंट कैन बी स्पैम कमेंट और अगर मुझे स्पैम कमेंट लग रहा है आई एल होवर ओवर द कमेंट मैं इसको अप्रूव भी नहीं करूंगा मैं इसको डायरेक्टली मार्क स्पैम कर दूंगा और जैसे ही मैंने कॉमेंट को मार्क स्पैन किया तो ये से गायब हो गया एंड नाउ इट इज इन द स्पैम सेक्शन सो यू है कॉमेंट डिलीट नहीं हुआ बट uh, स्पैम हो गया बोथ आर द सेम थिंग्स आपके सामने वेबसाइट से ये कमेंट निकल जाएगा बट मार्किंग कमेंट्स कॉमेंट स्पैम हेल्प्स यू एंड हेल्प्स एंडिसमेंट अकेस्मेंट को जैसे जैसे पता लगता है कि ज्यादा ज़्यादा ज्यादा स्पैम मार्क हो रहे हैं वो अपने सारे नेटवर्क पे वर्ल्ड जो वेबसाइट है उनको दिखाता है कि ये कॉमेंट माइट बी स्पैम कॉमेंट सो दैट्स हाउ रियली सेव्स यू यहाँ पे अगर आप कमेंट को नॉट स्पैम मार्क करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं या आप कमेंट को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं सो so मैंने नॉट स्पैम मार्क किया है अब मैं जाऊंगा सारे कमेंट्स पे एंड आई विल मार्क दिस स्पैम अगेन एंड देन आई वुड वांट टू डिलीट दिस परमानेंटली डिलीट किया मैंने परमानेंटली और वो चला गया कमेंट मेरे बिन में सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ मार्किंग कमेंट्स एज स्पैम प्लग है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक का उसमें नाम है गूगल कैप्चा सो so, ये प्लग इन क्या करेगा कि दिस इज द्लग इन दैट आई रिकमेंड गूगल कैप्चा बाय बेस्ट वेब सॉफ्ट इट इट्स वेरी अपडेटेड वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इसकी इंस्टॉलेशन भी हैं इसको इंस्टॉल कर लें अपनी साइट पर एक्टिवेट कर लें और साथ ही साथ एक और प्लग इन जिस तरह मैंने आपको किसमेंट बताया था आई वुड वॉन्ट टू एक्टिवेट अ किसमेंट उसकी भी एक कन्फिग्रेशन में टाइम लगता है तो हम देखेंगे कि अगर हम उसको लाइव इधर एक्टिवेट कर सकते हैं बट डू वी हैव ए किसमेंट तो हम एकस्मेंट को इंस्टॉल करते हैं यहां पे हमें नजर आ रहा है एकस्मेंट इज एक्चुअली दी मोस्ट इंस्टॉल्ड प्लगइन ऑन ऑल वर्डप्रेस वेबसाइट एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करते साथ ही आप देख रहे हैं कि वो मुझे कह रहा है सेटअप योर एकस्मेंट अकाउंट अनफॉर्चूनेटली इस लेसन में वी डोंट हैव द टाइम टू डू दैट बट यू कैन डू दैट इट्स वेरी सिंपल जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे आप स्पैम को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे आप स्पैम मॉक कर सकते हैं वट आर सम ऑफ़ द वेस्ट टू आइडेंटिफाई स्पैम एंड साथ ही साथ हाउ कैन यू यूज प्लगइन्स लाइक किसमेंट लाइक गूगल कैप्चा टू मेक वर्ड प्रेस अ स्पैम फ्री एक्सपीरियंस फॉर यू